अजमेर की क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने स्कूटी चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी से चोरी की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है और उसके रिकॉर्ड को लेकर संबंधित थाने से जानकारी ली जा रही है। क्रिश्चनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 14 सितंबर को कीर्ति असनानी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि जीवन के बाहर उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और वह अपने ऑफिस के काम से ऊपर गई थी। इस दौरान जब वह वापस नीचे आई तो उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। इस मामले की रिपोर्ट के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर टीम का गठन किया गया और आरोपी की तलाश शुरू की गई तो मुखबिर तंत्र व साइक्लोन सेल की मदद से मालूम हुआ कि मेरता का रहने वाला रवि इस चोरी की वारदात में लिप्त है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास स्कूटी भी बरामद की गई है। आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जाएगी। न्यायालय में पेश कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। साथ ही इसके पुराने रिकॉर्ड को लेकर मेरता थाने को लिखा गया है, जिसके बाद अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। पुलिस थाना क्रिश्चनगंज पे दिनांक 14/9/2022 को कीर्ति आसवानी नामक एक महिला ने उपस्थितों के रिपोर्ट दर्ज की कि जी मॉल के पास उसका टेक्निकल सदगुरु टूर एंड ट्रेवल्स में वो काम करती टेक्निशियल टीम में अपनी स्कूटी नीचे खड़ी करके जब शाम को वापस लौटी तो उसकी स्कूटी वहाँ से गायब थी, जिस पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही, जिसमें SP साहब चुनाराम जी ने स्पेशल निर्देश दिए तो सांगवान साहब के निर्देशन में माननीय CO मैडम छवि शर्मा के आदेशानुसार एक टीम गठित किया गया और मुखबिर और मेरी टीम की अपनी सहायता से मुलजिम रवि गौड़ पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल निवासी मेड़ता सिटी को मय स्कूटी के गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूटी को जब्त किया गया, इसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे अनुसंधान जारी है। सर और भी कोई है इसके मुकदमों के लिए मेड़ता सिटी को लिखा गया, वहाँ से और आएगा। और भी कोई गाड़ियाँ बरामद की नहीं? अभी से एक ही गाड़ी बरामद।